बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने फिर वापसी कर ली है। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है और इसी के साथ हवा चल उठी है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने के पहले तक कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ अपरिहार्य है। तो क्या एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार फिर कुछ वैसा करने वाले हैं? सभी की नज़र अब दिल्ली में एनडीए सरकार बनाने के लिए बुधवार को होने वाली बैठक पर है। अब की बार 400 पार की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनसभाओं में 4000 पार तक की बात कर चुके थे, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा के कई नेताओं के साथ जेडीयू भी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई नंबर आ जाए। उतनी बड़ी संख्या का मतलब होता कि भाजपा अकेले सरकार बनाने की स्थिति में होती और उस हालत में कोई भी बड़ा दल क्षेत्रीय दलों को तवज्जो नहीं देता। यही भाजपा से भी क्षेत्रीय दलों को डर रहता है, कांग्रेस के साथ रहने वालों को भी उससे यही डर रहता है। यह डर गौर वाजिब भी है। खैर, भाजपा के अंदर भी पीएम मोदी के खेमे को छोड़ दें तो बहुत सारे नेता अंदर अंदर चाहते थे कि जीते तो लेकिन दम वाला नहीं। यही हुआ है। बहुमत के लिए 272 का जादुई आंकड़ा छूना है और मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इससे पार है, लेकिन इस डर के साथ ही कि कोई साथ ना छोड़ जाए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के दौरान अमूमन चुप ही रहे, बोले भी तो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने शांति बनाए रखी है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जो 28 जनवरी से लेकर अप्रैल अंत तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहने से नहीं अघा रहे थे, उसके बाद से थोड़ी नरमी बरत रहे थे। लोकसभा चुनाव के अंतिम 3 चरण के मतदान तक ये रुख और नरम हो गया। वह नीतीश कुमार की कुछ बड़ी योजना की बात करने लगे। उधर महागठबंधन के नेताओं ने भी कई बार नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय का सिपाही बताया। इतना ही नहीं, अभी मौका लगते ही याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की ही भूमिका थी। अब जैसे ही चुनाव परिणाम यह बताने लगे कि राजग के लिए बगैर नीतीश कुमार केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल होगा, तो महागठबंधन के नेता अंदर खाने उन्हें मनाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। कांग्रेस भी अंदर अंदर इस योजना में साथ है। हालांकि जेडीयू के नेता हमेशा की तरह साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का फैसला नहीं बदलने वाला है। महागठबंधन सीएम नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहा है, जबकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट के आधार पर केंद्रीय कैबिनेट में मजबूत दावेदारी लेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटें जीतने पर भी उन्हें भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर दिया था, वह नहीं माने थे। बाद में आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने तो मंत्री भी बन गए। इस बात से नाराजगी के कारण आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की नज़र में चढ़ गए और उनका अंतिम हश्र राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पूरा कर दिया। पिछली बार नीतीश कुमार केंद्र में लल्लन सिंह को भी भेजना चाहते थे। इस बार राज्यसभा भेजे गए संजय झा मंत्री पद की सूची में जेडीयू की ओर से सबसे ऊपर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।